क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं हमारे इधर हाथी वगैरह आते हैं, तो ये सब को सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर वाल दे रहे हैं, बाउंड्री वाल। और देखिए आज यहाँ पर काम हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर दीवार जोड़े होने का काम होगा। देखिए पूरा एकदम खाली खाली है, देखिए इधर पूरा एकदम बाजार रहता है। और इधर देखिए हुआ आ रहे हैं, और उधर मुकेश बाबू। देखिए जुड़ाई करना शुरू कर दिए दोस्तों, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम मसाला दे दिए हैं। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता है आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग खाना पीना खा लिए हैं दोस्तों। अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाहर में, अभी धूप का आनंद ले रहे हैं, है ना जी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए आज हल्का हल्का बादल भी ढका हुआ है दोस्तों, ये देखिए पूरा फ्रेश धूप नहीं उगा हुआ है, ऐसा ही मौसम कर दिया है एकदम डुंडरू टाइप का, है ना जी? हाँ। और देखिए पूरा एकदम शांत वातावरण लग रहा है, हवा भी नहीं चल रहा है, क्या जी? एको हवा नहीं। हाँ, एक भी हवा नहीं चल रहा है। तो अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा फूफा जी को बाजार लेकर के चलते हैं, फुआ जी बुलाए हुए हैं तो लेकर के चलते हैं, उनको फिर लेते हुए आएंगे, क्योंकि काम चल रहा है हम लोग का, तो फूफा जी आए हुए हैं काम करने के लिए, इनको ले जा करके फिर कुछ भी सामान खरीदना होगा तो खरीद देंगे, उसके बाद में लेकर के आएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों, बाजार निकलते हैं। और इधर देखिए फूफा जी इधर से आ रहे हैं, आगे फूफा जी, चलिए चलिए, रेडी है ना? हाँ। गाड़ी घुमाते हैं, टमाटर किन्न। हाँ, लीजिए अपना मोबाइल। हाँ। ये सब उठाइए जी, कपड़ा वगैरह, शॉल है, लक्ष्मी का जैकेट है, टोपी है मेरा, उधर रख दीजिए। बाजार से कुछ लाना है जी, नहीं तो झोला दीजिए। टमाटर और मिर्चा लाना है, दीजिए झोला, लेते आएंगे। आइए बैठिए, झोला दीजिए, पकड़िए। तो फूफा जी बैठ गए दोस्तों, और अभी हम हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सामने नहीं जाना है, इसलिए ऐसे ही जा रहे हैं, क्या फूफा जी? हाँ। तो अब चलते हैं। हाँ। तो बाजार के लिए हम लोग निकल गए दोस्तों घर से, अब सीधे बाजार चलते हैं, है ना फूफा जी? हाँ। चलिए। देखिए हम लोग रोड पकड़ लिए, सीधे हम लोग बाजार चलेंगे, है ना? चलिए। तो बाजार हम लोग पहुंच गए दोस्तों, अब चलते हैं सब्जी मार्केट तरफ, है ना फूफा जी? चलिए। तो सब्जी बाजार तरफ तो हम लोग आ गए दोस्तों, लेकिन अभी तक तो बाजार लगा नहीं है। देखिए पूरा एकदम खाली खाली है, देखिए इधर पूरा एकदम बाजार रहता है। और इधर देखिए हुआ आ रहे हैं, और उधर मुकेश बाबू। हाँ हाँ, आ गए। हम्म, क्या क्या चीज ले लिए? ये दुकान के सामान है, निरमा है, अच्छा, कुर्थी दाल है, अच्छा, साबुन है, और मैदा लिए है आधा किलो, ये आप लोग दिखाया था ना, अथी बना जिलेबी बना के। हाँ हाँ, हम लोग सोच रहे कि उसी का वीडियो देख देख के हम लोग भी बनाए। अच्छा, चलिए बढ़िया किए। आधा किलो चीनी लिए, निरमा साबुन लिए। हाँ, देखिए पूरा एकदम इधर ताजा ताजा एकदम हरा हरा मिर्चा है दोस्तों, ले लेते हैं। कविता जी बोले हैं मिर्चा लेने के लिए, दीजिए तो एक पाव दीजिए, ताजा ताजा बढ़िया। हम्म, दा एक पुआ दा। तो मिर्चा टमाटर ले लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग राशन दुकान तरफ, है ना फूफा जी? चलिए। तो आ गए दोस्तों हम लोग राशन दुकान, देखिए यही दुकान में हम लोग सामान वगैरह लेते हैं। देखिए इधर अंकल हैं, मूंग दाल दीजिएगा 1 किलो, और मसूर दाल दीजिए 1 किलो, दोनों मिक्स करके दीजिए। तो दाल वगैरह भी ले ही लिए दोस्तों, सब सामान हो गया है। चलिए फूफा जी, अब निकलते हैं। हाँ चलिए, तब सीधे घर निकलते हैं, आज इतना ठंडा भी नहीं लग रहा है क्या? नहीं ना। चलिए, तो हम लोग आ गए दोस्तों गाड़ी के सामने, देखिए इधर हम लोग की गाड़ी है, अब चलते हैं हम लोग, इसको टांग देते हैं। चलिए टंगा गया, अब चलते हैं गाड़ी घुमाते हैं और निकलते हैं, क्या फूफा जी?
और फुआ भी चली गई दोस्तों बाजार वगैरह करके। चलिए बैठिए। तो बाजार से हम लोग निकल गए दोस्तों, अब सीधे घर चलते हैं। सब सामान हो गया है और फुआ भी अब पहुंचने ही वाले होंगे घर। तो घर हम लोग पहुंच गए दोस्तों, और इधर देखिए आज हम लोग राहर घाटे हुए हैं आंगन में, और लक्ष्मी देखिए कैसे खेल रही है। वहाँ नहीं खेलना है बेटा, वहाँ नहीं खेलना है, उसको मस रही है पैर में, पैर में नहीं करना है, इसको ढड़ाना है डांग से तब झरेगा। और फूफा जी उतर के चले गए दोस्तों, काम पे जा रहे हैं। आइए जी सामान लीजिए, वहाँ नहीं जाना है, वो खाने का सामान है ना। इधर आओ। मटर? मटर नहीं मिला जी, नहीं मिला, बाजार नहीं लगा था पूरा। तो सर सामान घुसा दी दोस्तों घर के अंदर में, अब चलते हैं नया घर तरफ, है ना जी। हाँ, उधर कुछ काम हो रहा है, नया नया काम, तो उधर ही काम वगैरह करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है ना जी। देखिए आंगन तो अब कम्प्लीट ही होने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ तक पूरा जब माटी कोड़ दिया है, अब इधर फेंकना है बाहर में, क्या जी। आइए जी चलिए, देखिए इतना मिट्टी कोड़ा गया है दोस्तों, अब इधर कोड़ना बाकी है थोड़ा सा, ये सबको धसका देंगे उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा, और मिट्टी को पूरा अच्छा तरह से साफ भी कर देंगे। देखिए उधर कितना सारा मिट्टी कोड़ के उधर फेंक दिए हैं बाहर में, देखिए अभी भी है एकदम, देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा मिट्टी मिट्टी है, क्या जी। ये कोना बाकी है, इस सबको कोड़ करके हटा देंगे तो पूरा एकदम आंगन चौड़ा हो जाएगा। और देखिए आज यहाँ पर काम हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर दीवार जोड़ाई होने का काम होगा। देखिए इस तरह से पूरा रस्सी खींच दिए हैं दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम टान दिए हैं। यहाँ पर बाउंड्री वाल होगा दोस्तों, क्योंकि इधर से जो है ना पूरा एकदम बैल बकरी सब वहाँ पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर बाउंड्री वाल कर देंगे तो उधर बैल बकरी नहीं जाएंगे और सुरक्षित भी रहेगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं हमारे इधर हाथी वगैरह आते हैं, तो ये सबको सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर वाल दे रहे हैं बाउंड्री वाल। देखिए यहाँ पर ईंटा पूरा रख दिया है, अब यहाँ पर जोड़ना बाकी है, इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए उधर से जोड़ते हुए आ रहे हैं, अभी सोलिंग किए हुए हैं, बाद में जोड़ेंगे। देखिए मिस्त्री जी इस तरह से ईंटा सोलिंग कर रहे हैं दोस्तों, धागा बिछा करके अब यहाँ पर एक सेंटर से देंगे, क्या मिस्त्री जी। इस तरह से लगेगा, चलिए ये सब उठा देना, सब उठते, ये सब साफ करते जाइए। तो इधर अभी मिस्त्री लोग लगे हुए हैं दोस्तों बाउंड्री वाल उठाने में, देखिए इस तरह से जोड़ते हुए जा रहे हैं। पहले यहाँ पर सोलिंग कर लिए हैं बढ़िया तरह से बालू लगा करके, और इधर देखिए अभी यहाँ पर मिट्टी कोड़ाई हुआ है, देखिए पूरा एकदम खाली कर दिए हैं इधर, इतना ज़्यादा मिट्टी था ना पूरा यहाँ पर, एकदम यहाँ से वहाँ तक पूरा फूल था मिट्टी, तो सबको कोड़ करके उधर एकदम फेंक दिया है उधर बाहर में। और इधर देखिए अभी लगे हुए हैं कोड़ने में, ये पूरा हट जाएगा पूरा मिट्टी, उसके बाद में यहाँ पर भी दीवार डलाएगा, यहाँ पर उठा देंगे ताकि ये मिट्टी भसकेगा नहीं, इसलिए ऐसा अभी कोड़ रहे हैं, पूरा कोड़ करके हटा लेंगे मिट्टी, उसके बाद में दीवार जोड़ना शुरू करेंगे। तब तक इधर का भी काम हो जाएगा, उसके बाद में उधर का भी काम हो जाएगा, सब काम साथ साथ होते जा रहा है। देखिए जोड़ाई करना शुरू कर दिए दोस्तों, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम मसाला दे दिए हैं, अभी यहाँ पर ईंटा बिछाएंगे। देखिए सामने में ही ईंटा रखा हुआ है, उधर भी रखा हुआ है, देखिए क्या ही मस्त मसाला बना हुआ है दोस्तों। मिस्त्री लोग अभी ईंटा बिठा रहे हैं, देखिए इस तरह से पहले यहाँ पर मसाला बिछा लिए हैं, उसके बाद में ईंटा डाल रहे हैं। लीजिए इधर और भी है, तो अभी शाम हो चुका है दोस्तों, देखिए पूरा बेरा डूब गया, और इधर देखिए हम लोग का इतना काम हुआ है बाउंड्री वाल का, और अभी हो ही रहा है, देखिए इतना उठा हुआ है, 2 फीट के लगभग उठ गया है, अब उधर उठ रहा है। तो अभी छुट्टी हो गया है दोस्तों, देखिए सभी कोई धो रहे हैं,
करनी वगैरह धो रहे हैं, पैर हाथ धोने में लगे हुए हैं। और देखिए आज इतना काम हुआ है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से दीवार जोड़ाई हो गया है बाउंड्री वाल का, यहाँ से वहाँ तक। कल और भी उठेगा, लगभग 3 फीट उठा करके छोड़ देंगे। देखिए सब धो धा लिए, अब चलेंगे सभी को अपना अपना डेरा। और उधर देखिए पानी से फुला दे रहे हैं, ये कोने में थोड़ा सा टाइट लगता है इसलिए यहाँ पर पानी डाल दे रहे हैं। और देखिए आज इतना कोराया है दोस्तों, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम कोर दिए हैं। और देखिए कितना सारा मिट्टी जमा हो गया है, बोरा में भी ढका हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो सभी कोई धो धा के चले गए दोस्तों, अब हम भी चलते हैं, पैर हाथ धोते हैं और जैकेट वगैरह लगाते हैं। काफ़ी ठंडा लगने लगा है, शाम हो जाता है ना उसके बाद में ठंडा बढ़ा देता है, दिन भर ठंडा नहीं रहता है उतना, लेकिन शाम के शाम में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और सुबह में दो टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है अभी। तो अब चलते हैं, पैर हाथ धोते हैं और थोड़ा हाथ वगैरह सेकते हैं और जैकेट वगैरह लगाते हैं। और इधर देखिए कविता जी अभी जा रहे हैं, और उधर देखिए चाची अभी लकड़ी वगैरह बांध करके ले जा रहे हैं घर। और इधर देखिए लक्ष्मी और पिताजी दोनों आजिया नातिन लगे हुए हैं पानी भरने में। ये देखिए इतना पानी भर लिए हैं, देखिए इधर भी भरा हुआ है। और लक्ष्मी भींगने के लिए देखिए लोटा लेकर के आई हुई है, हल्का हल्का धो दीजिए ना, भींग जाएगा। थोड़ा सा पायजामा उठा दीजिए नहीं तो भींग जाएगा। धोआ गया, जाइए। तो आप चलते हैं दोस्तों, हम भी फटाफट धोते हैं। देखिए अभी तक पानी चल ही रहा है, पिताजी गए हुए हैं पानी बंद करने के लिए, तब तक हम धो लेते हैं। तो पैर हाथ हम धो लिए दोस्तों, और इधर देखिए लक्ष्मी और पिताजी भी आ गए मशीन बंद करके। मशीन बंद करके आ गए। हाँ, बाय बाय करते रहती है लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी, देखिए कितना ज्यादा खुश है। हाँ हाँ हाँ, बाय बाय, सुन रहे हैं। हाँ बाय बाय, धो करके आइए। तो अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा चूल्हा वगैरह जलाते हैं और हाथ वगैरह सेकते हैं। काफी एकदम ठिठर गया, इतना ज्यादा ठंडा लगता है ना शाम का शाम, और सुबह में भी बहुत ज्यादा लगता है। देखिए इधर गोभी कैसा हो गया है, काट करके ऐसे ही छोड़ दिए हैं। देखिए चूल्हा का खारबानी सब निकाल लिए हैं दोस्तों, कविता जी निकाल करके शायद फेंकने के लिए गए हुए हैं। अब चलते यहीं पर आग जलाते हैं और हाथ पैर सेकाते हैं। चलते हैं वो वाले घर पे, वहीं पर जैकेट वगैरह है, अब लगाते हैं थोड़ा। देखिए इधर पूरा दीवार वगैरह जोड़ा गया दोस्तों, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम जोड़ दिए हैं, और मिट्टी भी पूरा एकदम यहाँ से वहाँ तक पूरा भर दिए हैं। ये देखिए अब यहाँ पर पैर वगैरह स्लिप नहीं करता है, अब बढ़िया हो गया। देखिए इधर पूरा एकदम कीचड़ हो जाता था, इसलिए देखिए यहाँ पर दे दिए हैं, दीवार दे दिए हैं। अब यहाँ पर सीट छरा जाएगा। देखिए इस तरह से खिड़की छोड़ा हुआ है, इधर भी छोड़ा हुआ है, इधर भी छोड़ा हुआ है, आगे भी छोड़ा हुआ है। देखिए इस तरह से काम हो रहा है। चलते हैं अब जैकेट लगाते हैं। देखिए इधर हमारा जैकेट टंगा हुआ है, अब पहनते हैं। तो जैकेट वगैरह हम लगा लिए दोस्तों, और इधर देखिए कविता जी आ गए कपड़ा लेके। प्रसूख गया जी? चलिए रख दीजिए वो कुर्ता पैजामा को ना, मोड़ करके रख दीजिएगा। और इधर देखिए माँ आ गए पूजा करने के लिए। हाँ, अभी संध्या बाती देंगे ना माँ। हाँ, तो इधर तो सारा कपड़ा वगैरह टांग दिए हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम कपड़ा से फूल कर दिए हैं दोनों हैंगर को। तो अब चलते हैं दोस्तों वाले घर तरफ, अब हाथ वगैरह सेकते हैं। कविता जी तो चले गए आग जलाने के लिए, अब हम भी चलते हैं।